नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। आदित्य हुड्डा मेरे डैड का मर्डरर है, और आप चाहते हैं कि मैं अपने डैड के मर्डरर को इनोसेंट प्रूफ करूं। आदित्य हुड्डा आपके बड़े भाई भी, उनके भी पिता थे। अर्जुन, अर्जुन प्लीज प्लीज दिल से सोचिए, आपको लगता है कि आदित्य इसे सच में कर सकती? एक लॉयर हूं और एक लॉयर का बेटा, दिल से नहीं दिमाग से काम करना सीखा, और मेरी नजरों में आदित्य हुड्डा गुनहगार। एक शब्द नहीं कहा उन्होंने उनके डिफेंस में, सारे सबूत उनके खिलाफ थे। बहुत ही कन्वीनियंटली उन्हें कुछ याद नहीं, क्योंकि वो नशे में थे इसलिए उन्हें कुछ याद नहीं। अर्जुन, और शराब के नशे में ऐसे क्राइम्स करना बहुत आसान होता है, और अगर उन्होंने नहीं किया तो किसने किया? राजवीर ने? उसकी सबसे बड़ी चाहत तो यह है कि उसे डैड का एक्सेप्टेंस मिल जाए। सो प्लीज, मैं भाई का केस नहीं लूंगा इस वक्त। मुझे अपनी मां का ख्याल रखना, अगर उन्हें कुछ हो गया तो डैड मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। तुमने कहा था इस परिवार को टूटने से रोकना होगा, मैं वही कर रहा हूं, और अब मेरे परिवार में सिर्फ मेरी मां बाकी। सर, आपकी मदर को होश आ गया। अर्जुन प्लीज एक बार हमारी बात, इस चाबी से मेरे रूम का दरवाजा और आपके पति परमेश्वर के गले में लटक रहा फांसी का फंदा दोनों खुल सकता है। इसे बड़ा संभाल के रखना जो है। और मैं शाम 8 बजे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। ओके, सी यू एट 8। निकालो इसे, कोई खून निकालो मेरे हाथ से, निकालो इसे, निकालो। सुभाष जी, मिस्टर आदित्य फिलहाल तो ठीक है, लेकिन पता नहीं कब तक रहेगा। दिमाग पर गहरा असर हुआ है, खुद को चोट दे रहा था। इस बार तो बच गया, लेकिन हमेशा थोड़ी कोई होगा बचाने। आज शाम को वापस सेल में ट्रांसफर करेंगे, अब चाहे तो मिल लेना। Thank you.
अपने आंसू अपने वक्त बर्बाद मत करो, मैं आपको बचा लूं, मैं बचना नहीं चाहता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आदित्य, हम आपको बचाएंगे, आपको भरोसा है ना हम पर? आदित्य, मैडम मिलने का वक्त खत्म हो गया, चलिए। हमारे अलग होने का वक्त आ गया। आदित्य प्लीज, प्लीज ऐसी बातें ना करें आप, प्लीज। प्लीज। आदित्य हुड्डा मेरे डैड का मर्डरर, आप चाहते हैं कि मैं अपने डैड के मर्डरर को इनोसेंट प्रूफ करूं? आई एम सॉरी, हुड्डा सर मेरे मेंटर थे, सारे एविडेंस आदित्य के खिलाफ, और मैं हुड्डा सर को जस्टिस दिलाना चाहूंगा। सुया जी, मैं तो क्या, कोई भी लॉयर आदित्य का केस नहीं लेगा। आपका जो ये प्यार है ना सुया, ये हमेशा आपके आंखों के आगे पर्दा डाल देता है। यश के साथ भी ऐसा हुआ था, अब आदित्य के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आज तक आप हमसे नाराज थे, आज हम आपसे अपने सारे रिश्ते तोड़ते हैं। इस चाबी से मेरे रूम का दरवाजा और तुम्हारे पति परमेश्वर के गले में लटका फांसी का फंदा दोनों खुल सकते हैं। जाए इस चाबी से मेरे रूम का दरवाजा और तुम्हारे पति परमेश्वर के गले में लटका फांसी का फंदा दोनों खुल सकते हैं। जाए
मैं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तेरी मदद करने का इंतजार। बकवास बंद करिए और साफ साफ बताइए यहाँ क्या कर रही हैं आप। बहुत दुख हुआ मुझे जब मैंने तुझे और जोया को अलग देखा। अरे मेरा दिल ही छन्नी हो गया। कितना प्यार करते हो तुम दोनों बच्चे एक दूसरे से। बकवास बंद करिए और बताइए यहाँ क्यों आए। मैं तो बेटा यहाँ तेरी बीवी की तारीफ करने आई हूँ कि तुझे जेल से बचाने के लिए वो किस हद तक जाने को तैयार है। उसकी तड़प देखकर तो मेरा दिल ही पिघल गया। देखिए अगर आपने जोया को इन सब में घसीटा ना तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। कुछ नहीं कर पाएगा तू। यही जेल में सड़ता रहेगा तू। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू यहाँ जेल में सड़े। मैं चाहती हूँ कि तुझे पता चले कि तेरी जोया तुझे यहाँ से छुड़वाने के लिए किस हद तक जा सकती है, क्या कर सकती है। साफ साफ बोलिए क्या कहना चाहती हैं। आइए आइए मिसेस यूटर। आपका स्वागत है। वैसे आपने यहां पर आकर मिसेस हुडा बने रहने का हक एक बार वापस छीन लिया। वो बात अलग है कि मिस्टर आदित्य हुडा को अगर ये पता चला तो उनके नरम दिल को बड़ी चोट पहुंचेगी। बस तुम्हारे पास आने से पहले मैं सबूत दिखाई। असली है? ऐसे एक बात कहूं, तुम्हारे यहां तो मर भी जाऊं तो भी गम नहीं कसम से। तुम जानती हो ना गोली एक चलेगी और निशाने दो। Tell us, obviously. मैं। दूजा तुम्हारा पति। सबूत दिखा दिया मैं। क्या बात है, सीधा मुद्दे पे। वैसे सच कहूं तो इंतजार मुझसे भी नहीं हो रहा। बड़ी बेचैनी हो रही है जोया मुझे भी। सबूत देखो 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 तुम्हारे काम की चीज है। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। देखिए या तो मैं उस राजवीर को मार दूंगा या फिर आप मुझे मार दीजिए। हादी क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या? तो क्या कह रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? हादी मुझे माफ कर दे बच्चे, मेरी वजह से तुम सबका बहुत दिल दुखा है। और किसी का दिल ना दुखे इसके लिए मुझे तेरी मदद की जरूरत है। मुझे तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। तू बेटा है मेरा, जानता तेरे बाप ने आज तक अच्छा बुरा
जो कुछ किया है वो सिर्फ उस बच्चों ने किया है। लेकिन बच्चे वो आज फिर भी इस घर में कहीं जगह डिजर्व करता है ना। मैं तेरी मां से बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, लेकिन अंजना ने जो फैसले लिए हैं वो बहुत बड़ी मुसीबत बन के इस घर पे लौटे हैं बेटा। मुझे ही इस मुसीबत का सामना करना होगा, हटाना होगा इस मुसीबत को हमारे घर से। मुझे तेरी मदद की जरूरत है आदि। आप बोले बाप, जो बोलेंगे मैं करूंगा। थैंक यू बेटा। तू एक काम कर, अभी तू जा, जा आराम कर, मैं तुझे बताऊंगा क्या करना है। गुड नाइट आदि। गुड नाइट बाप। हम जानते थे आदित्य भाई का सूट। 3, 2 वीडियो कहां चला गया? हम जानते थे आप ही ने किया ना पापा का खून। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि पापा को किसने मारा, इंपॉर्टेंट ये है जोया जी कि आदित्य हुडा ने मिस्टर हर्षवर्धन हुडा को नहीं मारा। तब अपने पति को बचाने के लिए तुम्हें ये क्लिप चाहिए। और इस क्लिप के बदले मुझे क्या चाहिए ये तो तुम जानते हो ना जानी। ये अगर अरे बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। इतना गुस्सा करेगा तो तेरा दिमाग फट जाएगा, इतना जोर मत लगा। अभी तो तुझे आगे चलकर बहुत दुख देखने हैं, बहुत सारा गुस्सा करना है तुझे। सारा गुस्सा आज रात यही निकाल देगा तो बाहर जाकर क्या करेगा तू? नानी जी बेल पेपर तैयार है। अरे वाह, बेल के पेपर आ गए? जी। वेरी गुड। देखा तूने? देखा ना, मैं मजाक नहीं कर रही थी तुझसे, मैं सचमुच तेरे लिए संकट मोचन बनकर आई हूँ आज। यस मिस्टर आदित्य, आपकी बेल हो गई है, आपको मर्डर के चार्जेस से एक्विटल मिल गया है, आप अभी आजाद हो। आदित्य कैसी अजीब सी घड़ी है ना, एक तरफ तेरे दिल में खुशी हो रही होगी कि तुझे बेल मिल गई और दूसरी तरफ ये दुख होगा दिल में कि बाप को तो खो दिया ना। क्या चाहती क्या है आप, क्यों कर रही हैं आप ये सब? मैं क्या चाहती हूं? अरे बेटा मैं तुझे जलता हुआ देखना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि तेरा और तेरी सोया का रिश्ता जो है ना वो जलकर खाक हो जाए। ये चाहती हूं मैं। पता है तुझे इस वक्त तेरी सोया कहां है? तेरी रिहाई का सबूत लाने गई है वो, और तुझे पता है उसे सबूत कैसे मिलेगा? अपने आप को, अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को। तेरी रिहाई का सबूत लाने गई है वो, और तुझे पता है उसे सबूत कैसे मिलेगा? अपने आप को, अपनी इज्जत को, अपनी आबरू को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है आदित्य। आज सारी रात तेरी जोया
मेरे राजवीर के साथ बिताएगी और तेरी बेगुनाही का सबूत लेकर आएगी। वाह वाह, क्या बलिदानी बीवी पाई है तूने। लेकिन एक बात है, इसको बलिदान कहेंगे या बाजारू? ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही हो रहा है, तू खुद जाकर देख ले, अब तो तू आजाद है। इन मुलायम हाथों पे इतना जोर मत लो। तो क्या है ना कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे पति का क्या होगा? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.